दोस्तों बात कर रहे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 12 ये यहाँ पे आपको कब देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के समय में 2024 में तो विंडोज 12 नहीं आने वाला, लेकिन क्या हो 2025 में देखने को मिले या आगे कब, क्या है पीछे की कहानी, क्या चल रहा है, कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले, क्योंकि कई सारे लोगों को पहले लग रहा था कि शायद विंडोज 12 आएगा। चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बात करते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर अपना विंडोज 12 अगर लाना हो तो क्या वो अपना विंडोज 12 का इस साल ला सकती है। वेल ऐसा नहीं, क्योंकि विंडोज 12 की ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इस साल वो विंडोज 11 का 24H2 यहाँ पे वर्जन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन, विंडोज को पायलट प्लस PC आपको देखने को मिलेगा, और ARM डिजाइन के ऊपर जो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के लैपटॉप आ रहे वो इसी वर्जन के विंडोज के साथ यहाँ पे कंपैटिबल रहेंगे। यानी कि बाकी जगह भी आएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक फीचर जिसके लिए विंडोज जाना जाएगा वो आपको इन लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा, और जो फ्यूचर में जो दूसरे लैपटॉप्स आएंगे इंटेल और AMD के साथ उनके अंदर ये चीज़ आएगी। लेकिन मेन बात ये कि माइक्रोसॉफ्ट वाले इस साल विंडोज को नहीं निकाल रहे, क्योंकि बात बताऊँ आप लोगों को, विंडोज 10 जो है वो अगले साल यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने वाला है। यानी कि 2015 में विंडोज 10 आया था और माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था उस जमाने में कि विंडोज 10 हमारा आखिरी वर्जन होगा, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया कि विंडोज 10 को सिर्फ 10 साल तक का सपोर्ट देने वाले हैं, और जो 10 साल का सपोर्ट है वो 2025 में ओवर हो जाएगा। यानी कि जब विंडोज 10 का सपोर्ट खत्म होगा तो जो पुराने विंडोज 10 के यूजर है वो शायद विंडोज 11 या आगे कहीं अपग्रेड यहां पे कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने तो कहा था कि विंडोज 10 का आखिरी वर्जन होगा, लेकिन 2021 में माइक्रोसॉफ्ट खुद अपना विंडोज 11 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती है। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को अब इस तरीके से बना रही है कि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम बने। यानी कि अगर आप लोग को याद है जब विंडोज 11 आया था तब यहाँ पे जो पुराने PCs थे उसके साथ कंपैटिबिलिटी रखने के लिए यहाँ पे TPM मॉड्यूल होना जरूरी था। इस वजह से जो पुराने काफी सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स थे उसके अंदर इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ उन्हीं मशीन्स के अंदर थी जहाँ पे TPM मॉड्यूल था और यहाँ पे आपको नया प्रोसेसर देखने को मिलता था। इसलिए काफी सारे पुराने PCs थे वो यहाँ पे विंडोज 10 के साथ ही रहे, विंडोज 11 पे फ्री अपग्रेड नहीं मिला। लेकिन बात करें तो विंडोज 11 में ओवरऑल इंटरनल ज्यादा चेंजेस नहीं थे, ओवरऑल UI डिजाइन के अंदर चेंजेस किए गए थे और काफी सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कर रहा था। लेकिन अब देख के लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट है ना विंडोज को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। यानी कि जो विजन मेरे को विंडोज 12 का लग रहा है वो लग रहा है कि जो पहली झलक होगी वो इस साल के जो विंडोज अपडेट आएगा 24H2 उसके अंदर हम देखेंगे, जिसके अंदर बात करें तो ऑब्वियसली AI आएगा, आपका कोपायलट प्लस PC। अब देखा तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज कोपायलट इससे पहले भी एग्जिस्ट करता है और आपका ऑलरेडी विंडोज 11 के जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप आते हैं उसके अंदर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह कि वो डिवाइस के अंदर AI नहीं चलाती, वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे चलाती है, और माइक्रोसॉफ्ट ने जो विजन शोकेस किया था जब से स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के जो लैपटॉप्स वगैरह निकाले थे उसके अंदर बताया था कि आपका कोपायलट प्लस PC इसके अंदर चलेगा, जिसके अंदर आप विंडोज के जो सारे काम होंगे AI वाले वो सारे यहाँ पे आप कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपके काफी सारे इंट्रोड्यूस करे थे टास्क, जैसे कि एक लेवल दिखाया था उन्होंने कि इस टाइप की कुछ चीजें करेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में इमेज जनरेशन वगैरह, या फिर अगर आप कोई हॉलीवुड या इंग्लिश में कोई मूवी देख रहे तो ऑटोमेटिक सबटाइटलिंग, वो भी सिर्फ AI का यहाँ पे यूज करके। यहाँ तक कि सबसे इंटरेस्टिंग फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने शो किया था वो था विंडोज रिकॉल का, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली आप जो भी काम कर रहे हो अपने डेस्कटॉप पे उसके कॉन्स्टेंटली स्क्रीनशॉट्स लेगा, उसको सेव करेगा, बाद में AI उसको रीड करेगी, देखेगी, समझेगी, उसे सीखेगी और आपकी आपके टास्क में और ज्यादा हेल्प करेगी। हालांकि ये विंडोज रिकॉल बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फीचर था, इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को काफी ज्यादा डिले कर दिया, बोला है कि ये फीचर अब आने वाले टाइम में आएगा, अभी यहां पर नहीं आएगा। इसके साथ ही बात की जाए तो एक और बड़ा एडवांटेज जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ देख रहे थे वो था ARM बेस्ड PCs का। ARM वाला डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट बहुत पहले से ट्राई कर रही थी, यहाँ पे कॉलकॉम भी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि इंडिया में भी कभी भी आपको विंडोज के अंदर ARM वाले लैपटॉप्स कभी देखने को मिले ही नहीं थे, जो भी आए थे वो क्रोम बुक्स वगैरह थे। इंडिया में अब फाइनली लॉन्च होना शुरू हो गए विंडोज AI कोपायलट प्लस PC के स्नैपड्रैगन एक्स एलीट पावर्ड लैपटॉप। यहाँ पे आसूस का वीवो बुक है, HP का एलीट बुक है और भी बाकी सारे जो OEM से वो यहाँ पे अपने लैपटॉप्स निकाल रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये कि जो लैपटॉप है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कैटेगरी में, 1,00,000 रुपए के ऊपर जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए कि जो चिपसेट जो प्रोसेसर डाल रहे हैं ये बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस निकाल रहा है जैसे हाई एंड इंटेल अल्ट्रा कोर 7 प्रोसेसर निकालता है, लेकिन बदले में आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी भी एक काफी बड़ी कमी है यहाँ पे, वो है कि जो पुरानी एप्स है वो अभी भी इनकम्पैटिबल है, और जो इमुलेशन जैसा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था वो
आज भी ढंग से काम नहीं करता। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप्स आ रहे हैं वो अभी भी फर्स्ट जनरेशन है, और वहां पे जो पुराने सॉफ्टवेयर थे जो हम ऑलरेडी इतने सालों से विंडोज के अंदर यूज कर रहे थे, उसकी कंपेटेबिलिटी का जो इशू है वो अभी भी यहाँ पे है। और इस इशू को सॉल्व करने में माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम और बाकी OEMs को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इसीलिए एक बात बता सकता हूँ, अगर विंडोज 12 ये सारी चीज़ें लेकर आता तो शायद इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि विंडोज 12 में अगर ये चीज़ें आती तो वो आते ही यहाँ पे फ्लॉप हो जाता, क्योंकि इतने बड़े चेंजेस करने के लिए पहले ग्राउंड वर्क करना ज़रूरी है, और वो ग्राउंड वर्क यहाँ पे विंडोज 11 इसके लिए कर रहा है। यानी कि AI के रूप में PCs को तैयार कर रहा है, क्योंकि अब जो आने वाले समय में PC आएंगे, चाहे स्नैपड्रैगन XL8 की बात करें, इंटेल और AMD के नेक्स्ट जनरेशन PCs के बारे में बात करें, जो प्रोसेसर्स हैं वो अब ऑन डिवाइस AI कैपेबिलिटीज के साथ आएंगे, यानी कि डिवाइस के अंदर ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन कर सके। और जो माइक्रोसॉफ्ट और स्नैपड्रैगन ने मिलके जो अपने नए ARM वाले प्रोसेसर्स के लैपटॉप्स निकाले हैं ना, उसको उस लेवल पे ले जाना है ताकि जो पुराने सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पे कंपेटिबल रहे, और आने वाले समय में नई एप्स, नए गेम इसके साथ अच्छे तरीके से कंपेटिबल रहे। क्योंकि अगर उस डायरेक्शन में मूव ऑन नहीं करेंगे ना तो अभी भी वीकनेस रहेगी। क्योंकि आप एक बात मान के रखिए कि अगर ये काम यहाँ पे विंडोज 12 के साथ करते हैं ना, तो विंडोज 12 को करने में बहुत दिक्कतें आती, और इसका हाल भी आपके विंडोज विस्टा, विंडोज 8 वैसा ही कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन बात करें तो यहाँ पे कहानी में एक और चेंज आ रहा है, वो ये आ रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पे और बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, और वो बदलाव हम 2025 से ऑब्जर्व करेंगे। इस साल क्या हुआ कि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन ने ही विंडोज के साथ ARM डिजाइन वाले अपने लैपटॉप्स वगैरह सब उतारे मार्केट में, और चिप्स भी आई है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, यहाँ पे इनकी डील थी कॉलकॉम की कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि पहले ईयर हम ही अपना प्रोसेसर लेकर आएंगे, बाकी जो लोग होंगे ना वो अगले साल लेकर आएंगे। यानी कि विंडोज और ARM में पहले स्नैपड्रैगन के साथ आया, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करते हैं जब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी रिफाइंड हो जाए और एप्लीकेशन का सपोर्ट अच्छा हो जाए, तब ये आपको देखने को मिले यहाँ पे आपके मीडियाटेक के प्रोसेसर, इवन एनवीडिया भी है जो यहाँ पे ARM डिजाइन के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ ही आपको ये बात बता सकता हूँ मैं कि एक स्मार्टफोन वाला जो रिवोल्यूशन आया था ना, वैसा एक रिवोल्यूशन यहाँ पे PC इंडस्ट्री के अंदर भी आ रहा है, और PC के अंदर प्रोसेसर लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, स्पेशली AI वाले टास्क। अभी भी जो AI वाले टास्क है ना वो लिमिटेड है। मेरे को क्या लगता है कि विंडोज 11 ने क्या किया कि AI की झलक दे दी, और एक प्रोसेसर्स वगैरह और लैपटॉप्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट कर दी कि 40 टॉप्स होने चाहिए, यानी कि 40 टेरा ऑपरेशन पर सेकंड AI के लिए, और किसी को विंडोज को पायलट प्लस PC क्रिएट करना उसकी बैजिंग चाहिए तो इतना पावरफुल उसका NPU यहाँ पर होना चाहिए, जिसके कारण वो इतने ज़्यादा हाई एंड टास्क यहाँ पे कर सके। अब मान लो ये वाले जो 40 TO एप्स होते हैं ये इंटेल और AMD भी ले ऐप, तो वहाँ पर भी AI वाले टास्क होंगे, और इसके साथ ही मार्केट में एक स्टैंडर्डाइज हो जाए कि 40 टॉप्स अगर हर एक PC में आ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बैकएंड में काम करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और भी ज़्यादा AI फीचर्स को ये लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है। कहने का मतलब है कि विंडोज 12 जो है वो शायद हमें इस साल कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शायद अगले साल एक ऐसी उम्मीद करते जब विंडोज 10 का सपोर्ट यहाँ पे खत्म होगा तब इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अगर एक साल पहले से ले आती तो विंडोज 10 का भी सपोर्ट देना है, 12 का भी देना है, 11 का भी देना है, पुराने PCs का भी देना है, ARM डिजाइन वाले जो नए PCs आ रहे हैं वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, और AI के ऊपर भी काम करना है, तो एक तरह से उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। 2025 या 26 के बाद विंडोज 12 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखा तो ऐसा नहीं कि कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार आपको कुछ नई चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी थी ना, पहले विंडोज 12 का विंडोज 11 में गए थे तो कुछ फीचर्स वगैरह इंक्रीज करे थे, लेकिन इंटरनली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, और जो मेजर चेंजेस थे वो UI वगैरह के थे। लेकिन अगर 12 वर्जन आता है ना तो वहाँ पे UI वगैरह से ज़्यादा जो AI वाले चेंजेस होते हैं उसके ऊपर प्रायोरिटी रहेगी, और जो ARM वाला डिज़ाइन रहता है ना वहाँ पर एक बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि वहाँ पर किस तरीके से इस चीज़ को काउंटर किया जा सके और किस तरीके से इस चीज़ पर यहाँ पर हाथ साफ किया जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखने वाली। या अभी भी देखा तो जर्नी बहुत लंबी है यहाँ पर, जब तक जो स्नैपड्रैगन XL8 वाले जो लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, जब तक ये पुराने जो सॉफ्टवेयर होते हैं अगर वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहे तो वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवेयर यहाँ पर इनकम्पेटेबल है, सॉफ्टवेयर का इशू है। हार्डवेयर इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकालता है, इवन गेम्स भी यहाँ पर आप खेल सकते हैं रे ट्रेसिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि जो अंदर एड्रिनो GPU यूज़ किया गया ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कंपेटेबिलिटी की। अगर एक
कंपैटिबिलिटी वाली प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट अगर लॉन्ग रन में सॉल्व कर देता है तो विंडोज 12 एक बहुत बड़ा हिट हो सकता है। क्योंकि आप मान के रखिए कि एक जमाने में विंडोज 12 जब आएगा तब ऐसा आएगा कि उसके साथ जो नए फीचर जो नया एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। इवन आप ये मत समझ के रखना कि जो पुराने पीसेस होते हैं वो डिसकंटिन्यू होंगे। माइक्रोसॉफ्ट को पुराना मार्केट भी पकड़ना है तो वो x86 इंटेल एएमडी के साथ भी कंपैटिबिलिटी निकालेगा। बस ये रखेगा कि आप जो एआई वाले टास्क होंगे ना जो पुराने पीसी में आप कर पाते थे बस वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी जगह आपको कुछ नई चीज यहां पर देखने को मिल सकती है। तो हाँ यार, ये है कहानी क्या चल रही है, क्या प्रिडिक्शन है और देखने वाली बात होगी कि कब आपको देखने को मिलेगा विंडोज 12। मेरे को लगता है आ जाएगा, शायद अगले साल के एंड तक शायद उम्मीद कर सकते आ जाए। बाकी आप लोग क्यों नहीं बताते कमेंट में कि कब देखने को मिल सकता है विंडोज 12 यहाँ पे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।